जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने एसीसी के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूं हर मॉडल पेपर में। देखिए, हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर, ये आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एकमात्र एमकेसी ऐसा संस्थान है जो सभी परीक्षाओं का मॉडल पेपर लेकर के आ रहा है दोस्तों, और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स then which of the following is even? A and B are odd number. A and B are odd number. क्या है? A और B odd numbers हैं, एक number A है और दूसरा B है, both are odd numbers. तो ले लिया हमने 3 and 5 रख दिया। अब कह रहा which of the following is even? तो अगर हम 3 और 5 को जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। अब फिर इसी में दोनों का गुणा करके 15 जोड़ दें तो 15 8 23 आ जाएगा। तो ये इवन नंबर नहीं हो सकता। अब 3 और 5 8 आया था, ये इवन नंबर नहीं हो सकता। 3 और 5 8 आया था, ये इवन नंबर नहीं हो सकता। फिर इवन नंबर कौन सा होगा? ये होगा। एक बार और देख लें आप। जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि ए वन है और बी थ्री है, ओके? तो आप जोड़िए ए 4 और प्लस 3 × 2 = 6, तब भी कितना आया आपका? 10 आया। इट मीन्स कि इफ़ ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर सो दैट ए प्लस बी प्लस 2ab इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ओके? योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस 2ab। द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 21 डिवाइडेड बाई 5 इज, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन We use the totient method. हम इसको दो तरीके से बता सकते हैं, फर्स्ट totient method से और सेकेंड यूनिट डिजिट method से। तो what is the यूनिट डिजिट method? कि जब हम 3 की पावर 21 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 से, क्योंकि 5 आ गया, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट method बहुत यूज़फुल हो जाता है। आप जानते हैं कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, इसके लिए लास्ट डिजिट, इट मीन्स कि यूनिट डिजिट या आइदर 0 और 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर 0 और 5 नहीं है तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर यूनिट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पर कोई नंबर लेस देन 5 होगा तो दैट विल बी द यूनिट डिजिट, दैट विल बी द रिमाइंडर। इट मीन्स कि अगर किसी नंबर का यूनिट 1 है तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो डिवाइड हो जाएगा, 6 है तो 1 सेकंड डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ओके? अब हमको क्या करना है ना, हमें इस 3 की पावर 21 में यूनिट डिजिट निकाल देना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 1। हम 3 की पावर 1 लगा देंगे, मतलब हमको पता चल गया कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। और जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और यूनिट डिजिट 3 है तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 3 ही होगा। ये आपका रहा यूनिट डिजिट मेथड। क्योंकि 5 से डिवाइड करना था तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एवरी मेंबर ऑफ अ क्लब डोनेट्स 10 रुपीज मोर देन थ्राइस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। इफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज ₹3000 देन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द क्लब। मतलब कोई क्लब है जिसमें जितने मेंबर हैं उनके 3 गुने से ₹10 ज़्यादा, थ्राइस से 10 रुपीज़ मोर। तो आप सॉल्व करना चाहेंगे तो मान लो कि मेंबर यक्स हैं, तो 3x प्लस 10 ना, और इनटू कितना? इनटू जितने थे। अब ये करने पे कितना आएगा? 3000 आएगा। लेकिन हम ये वाला काम करने की सलाह नहीं देंगे। अगर मान लो 10 होते तो 10 का 3 गुना 30 होता थ्राइस, और इसमें 10 जोड़ते तो 40 आ जाता। 40 का गुणा 10 में करते 400 आता। ये नहीं हो सकता। अगर 30 होते तो 30 का 3 गुना 90 हो जाता। ₹10 ज़्यादा दिए हैं
और 30 से गुणा करते तो 3000 आ जाता। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 30% थे। क्लब में कितने मेंबर थे दोस्तों? तो आपका आंसर होगा कि 30 मेंबर थे, क्योंकि 30 का थ्राइस करेंगे 90 होगा, 90 में 10 जोड़ेंगे 100। इट मीन्स कि ईच मेंबर कंट्रीब्यूट 100 रुपी, और कितने मेंबर है? 30 मेंबर। तो 30 into 100 कितना हो जाएगा? 3000। योर करेक्ट आंसर इज 3000। ओके, द वैल्यू ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जहां पर इसने जाकर के अपना मुंह ना दिखाया हो, मतलब कि विद्यार्थियों का मूड ना खराब किया हो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टैक्टिक बताता हूँ। जब रूट्स के अंदर रूट्स लगे हों और डिफरेंट नंबर्स प्लस या माइनस किए गए हों, डिस्टिंक्ट नंबर प्लस या माइनस किए गए हों, तो लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट नंबर पक्का ही क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बट मैं आपसे लास्ट की तरफ जाने नहीं दूंगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट नंबर से आ जाओ। जब रूट के अंदर डिस्टिंक्ट नंबर्स को प्लस या माइनस किया गया हो, तो आप इधर से फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। यहाँ देखो कितना दिया है, 3 के बाद क्या लगा है? प्लस। 3 के बाद क्या लगा है? प्लस। तो आप समझो 3 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? आपने कहा सर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और इस सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों। इससे शॉर्टकट तरीका, इससे सुपर तरीका रूट्स के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का किसी के पास नहीं है, ये बात समझ लो आप। ये देखिए ये क्वेश्चन, व्हेन सिंपलीफाइड द प्रोडक्ट दिस। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इस सवाल का आंसर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म से निकलेगा। किससे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म। तो जरा हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 3 2 6 में से 1 गया 5, 5/3 आ गया। सेकेंड टर्म 5 2 10 में से 3 गया 7, 7/5 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट का लिखो, देखो ये कितना आएगा, यह आएगा आपका 999 है, तो इसका मतलब आएगा आपका 1998 आएगा, प्लस 1997 आएगा अपॉन 909 ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों 18 18 19, ठीक है। अब आपको देखना ये कैसे कट रहा है, यूं कट रहा है, यूं ऐसे। तो अगर ये ऐसे कट रहा है तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। दो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? यहाँ माइनस लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 997 हटा तो 1001, और 3 यहाँ बचा है, ये 3 आपका है। तो करेक्ट आंसर ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये किससे सॉल्व होगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म। अब आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से क्या पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में आपको सिर्फ ये देखना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर पहले पद का फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो लास्ट टर्म का न्यूमरेटर कैंसिल होगा, और अगर पहले पद का न्यूमरेटर कैंसिल होगा तो लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। मतलब यहाँ अगर डिनोमिनेटर बचा है तो लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचेगा, बस इतने भर से आपका काम बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपका करेक्ट आंसर आइदर ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा। अब हम कैसे जानेंगे? लगा तो लेंगे ही, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा असल में करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए, जब नीचे दी गई संख्या दोनों से, मतलब कि छोटी संख्या से भी छोटी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। ध्यान देना, जब डिनोमिनेटर में रखी गई संख्या लार्जेस्ट नंबर से बड़ी होगी तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए माइनस बी, एंड जब डिनोमिनेटर में रखी संख्या स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर में रखा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा होगा
तो इसका मतलब ये होगा कि आपका करेक्ट आंसर ए प्लस बी होगा। अब बस जैसे इन दोनों को जोड़िएगा, दो दो चार और छः तीन नौ, चार और एक पाँच, बहुत प्यार से इस सवाल का उत्तर पाँच आ जाएगा। देखिए एक बात समझिए, एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर के जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सब टैक्टिक वो हैं, पता है तो टिक करना है सिर्फ, लगाने को तो कोई मैथमेटिक्स जानता है अगर तो ऐसा सवाल, कुछ तो ऐसा था नहीं, बहुत लेंदी सवाल था, लेकिन आपको वहाँ भी 10 सेकेंड बचाना है दोस्तों। एक एक एग्ज़ाम में दो दो चार चार दस दस सेकेंड अगर एक एक सवाल पर बचाएंगे तो आपका चार पाँच मिनट बच जाता है पेपर सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में 10 मिनट बच जाता है, और 10 मिनट या तो आपको उस पार कर देता है या तो आपको इस पार कर देता है। जब आप इस पार रह जाते हैं तो बस बैठ करके ठंडे दिमाग से यही गाना गाते हैं या रोते हैं, इस पार प्रिय मैं हूँ, उस पार प्रिय तुम हो मधु है, इस पार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी कभी रूट का ये वाला प्रॉब्लम आ जाए, जब भी कभी रूट की ये वाली प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ आपको अपनी निगाहों का अंदाज अच्छा करना है। 3.25, 2.25, 4.25, ऐसे कौन से टर्म हैं जो दो बार रिपीट नहीं किए गए हैं। एक देखो, ये 2.25 आगे कहीं नहीं आने वाला है, और एक 6.25 पीछे कहीं नहीं आया हुआ है, बस इतना ही तो करना है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ तो देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1.5 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ प्लस है प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस का 2.5 हो जाएगा और आपका आंसर बिना किसी परेशानी के 1 आ जाएगा दोस्तों। बाकी सब कट जाएंगे, दो जो टर्म दो बार आया होगा वो सिर्फ एक दूसरे का मर्डर करने आया होगा। जो टर्म दो बार आया होगा वो एक दूसरे का मर्डर करने के लिए आया होगा, मर्डर करने के लिए, और कुछ नहीं काम है। ये मत कहना कि प्यार करने आया होगा, पक्का ही मर्डर करने आया होगा। बस जो टर्म एक बार आया वही बचेगा, रूट का सवाल होगा, साइन का ध्यान रखना बस। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग वूम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल इज। क्या क्वेश्चन है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात करेगा तुरंत दिमाग में SCF आ जाएगा, 1001 और 910 का SCF जैसे ही आप लीजिएगा तो आपके सामने मुस्कराता हुआ आंसर आएगा और कहेगा कुछ ऐसा मत कुछ भी कर तू यार मैं तेरा हो गया ना। गाना तो ऐसा है कि कुछ ऐसा कर जुगाड़ मैं तेरा हो जाऊं, या कमाल, ये कहेगा मत कुछ भी कर तू यार मैं तेरा हो गया। बस क्या पता है, मैक्सिमम नंबर जैसे देखा हम समझ गए क्वेश्चन SCF से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? SCF से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी दोस्त CDS, CPF, FCAT, AFCAT, ACC, ICG, AC मतलब कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप बड़े स्पेशल टाइप के लोग हैं, आप UPSC के बेंच पे बैठने वाले लोग हैं, आपका सिलेक्शन भी यूनिक होना चाहिए, आपका सिलेक्शन भी सबसे अलग होना चाहिए। तो दोस्तों आप उस इंस्टीट्यूट के साथ जाएं जिस इंस्टीट्यूट का अपना इस फील्ड में इस कोई भी अल्टीमेट इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप MKC से जुड़े दोस्तों और अपना सिलेक्शन श्योर कराएं। इन नंबर्स पे 9696330033 पे कॉल करें, कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप यहाँ से इस नंबर से संपर्क करके बात करें, हमसे जुड़ें, हम आपको ले चलेंगे कमीशन की बेंच पे बैठा करके आगे बढ़ा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला सवाल क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर्स इज 3 times of the 6th number. If the average of all 6 number is 10:2, but 10 2 by 3, find the 6th number. कोई 5 संख्याएं हैं, इनका 5 संख्याएं, ये first है. कोई 5 संख्याएं हैं, ABC लिखता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ABCD
ई, और जब इसका मैं एवरेज ले रहा हूँ तो छठवीं संख्या एफ का तीन गुना है, छठवीं संख्या एफ को हमने यक्स मान लिया है। कितना मान लिया है? यक्स मान लिया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 15 यक्स आ जाएगा। ये यक्स रख दिया यहाँ पर। अब देखिए छों संख्याओं का योगफल, छों संख्याओं का औसत ये दे दिया है, तो 10, 33, 2, 32/3, तो ये एवरेज है ना, ऑल सिक्स द एवरेज। तो अगर हम छों को जोड़ेंगे तो देखो 5 का जो योगफल आया है वो 15 यक्स आ गया, 15 यक्स ये हो गया और छठवीं संख्या यक्स है। अब यही बराबर ये कितना हो जाएगा, 32/3 × 6, क्योंकि 6 संख्याओं का एवरेज अगर ये है तो उनका सम ये हो जाएगा, तो 3×2 = 6, यहाँ 16x = 64 आ जाएगा, इट मीन्स यक्स इक्वल 4 आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पहली बार जब भी मिलता है तो आपका दिमाग रोक लेता है दोस्तों। तो आगे इसको करें, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने आपके कमीशन का सवाल है, पूछा गया सवाल है, यूपीएससी ने कई जगह इस सवाल को रिपीट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9, टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:9। अच्छा, इफ 44 इज एडेड टू बोथ देन रेशियो बिकम्स 11:30। जब इनमें मैं जोड़ देता हूँ 44, तो ये 11:30 हो जाता है। तो देखो जरा यहाँ कितना यूनिट बढ़ा, आपने कहा 4 यूनिट, हमने कहा यहाँ कितना यूनिट बढ़ा, आपने कहा सर 4 यूनिट। जब रेशियो में जो मतलब कि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट सेम हो रहा हो तो सवाल बहुत इजी नेचर का होता है। 4 यूनिट की वैल्यू 44 है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11। अब क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 22 हो जाएगी, और यही सवाल का आंसर जो बी ऑप्शन में है कितना होगा, 22 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। इन अ बिजनेस पार्टनरशिप अमंग ए बी एंड सी डी द प्रॉफिट इज इट इज शेयर्ड एज फॉलोज, ए शेयर अपॉन बी, इट मींस कि ए अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी ना इक्वल सी अपॉन डी इक्वल 1/3। तो हम यहाँ से इनका कंबाइन रेशियो निकाल लेते हैं, इनका कंबाइन रेशियो जब निकालेंगे आप कितना आ जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी 1:3:9। कैसे, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म में, लास्ट टर्म का लास्ट टर्म में, फिर 1:3 रख दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1:3:9:27। ये किसका हो गया, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ओके, अब टोटल प्रॉफिट 400,000 है, तो यहाँ जोड़ दो कितना आ जाएगा, 27, 40, 40 यूनिट की वैल्यू 400,000 है, तो 40 से 40 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, कितना 90,000 नहीं, 40 से 40 कैंसिल 10,000, ठीक है, कितना आ गया आपका। तो आपसे किसका पूछा है, आपसे किसका, शेयर ऑफ सी 9, ये 10,000 है भैया, ये कितना है, 10,000 है, 10 ना, तो 40 × 40, 10,000, तो 90,000, 9 यूनिट का मान 90,000 हो जाएगा, क्योंकि सी का शेयर 9 यूनिट है, कितना यूनिट है, 9 यूनिट है, इट मीन्स कि शेयर ऑफ सी इज 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाई 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32% गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, देन द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज, व्हेन इन एनी एग्जामिनेशन देर आर टू स्टूडेंट एंड वन पास्ड एंड अनदर फेल, सो दैट आपकी टैक्टिक क्या होगी, ये 20% पाया, 20% पाके 30 मार्क्स से फेल हो गया, और दूसरा 32% पाया और ये कितने से पास हो गया, 42 से, आप इसका डिफरेंस ले लो कितना आ गया, 12, और ये इन दोनों को जोड़ लो कितना आ गया, 72, तो 12×72 1/6 आ गया, इट मींस कि जो मैक्सिमम मार्क्स है
वो 600 है, बट आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पास मार्क्स पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो अगर 600 नंबर का एग्ज़ाम है और कोई बंदा 20% गेन करता है, 20% लेता है, तो 600 का 20% ये आ जाएगा 120 मार्क्स पाने वाला बच्चा अगर 30 मार्क्स से फेल हो जाता है एग्ज़ाम, इट मीन्स कि वो पास कितने पर होगा। तो आपने कहा प्लस 30 और कर दो तो ये सर पास हो जाएगा। 150 नंबर पाके पास हुआ, 150 नंबर कितने में से, 600 नंबर से आउट ऑफ 100, 15 × 60, इट मीन्स 25% जो है वो क्या है, पास मार्क्स है। पास मार्क्स कितना है, 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अ नंबर इज डिक्रीज बाई 10% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज गेन अगेन डिक्रीज बाई 20%। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज यूज 10 × 10 फॉर्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करें, 10 × 10, तो 10 × 10 100, 10% से डिक्रीज किया तो ये 9 हो जाएगा, 20% से डिक्रीज किया तो ये 8 हो जाएगा, 9 × 8 = 72। योर करेक्ट आंसर इज 28%। क्या कर रहे हैं, किसी भी 10 को 10% से डिक्रीज करेंगे एक घटेगा, 10% से इंक्रीज करेंगे एक बढ़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, इसमें हम क्या करते हैं ना, 3 टॉयज आर सोल्ड, तो जो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, बाय माइनस सोल्ड डिवाइड बाई सोल्ड आउट ऑफ 100%। खरीदा गया माइनस बेचा गया बटे बेचा गया, अगर इक्वल कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो रही है, इक्वल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो रही है, तो क्या होगा, बाई माइनस सोल्ड अपन सोल्ड आउट ऑफ 100%। तो बाई कितना हुआ है 4, सोल्ड कितना है 3, डिवाइड बाई 3 आउट ऑफ 100, 33 1/3% इज योर करेक्ट आंसर। वैसे मैंने बता रखा है 33 1/3 अगर ऑप्शन में है, तो आप अगर नहीं सवाल लगा पा रहे तो लगा के निकल जाइएगा, बहुत ज़्यादा ही चांस होगा कि आप सही होंगे, बहुत ख़राब भाग्य होगा तभी गलत करेंगे, अदरवाइज आप सही ही हो जाएंगे। अ सम ऑफ मनी लेंट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹880 इन 2 ईयर्स वाइल 920 इन 3 ईयर्स, फाइंड आउट द सम ऑफ मनी। अ सम ऑफ मनी मतलब कुछ धन है जो 2 साल में ₹880 हो जा रहा है जबकि 3 साल में ₹920 हो जा रहा है। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹880 इन 2 ईयर्स वाइल ₹920 इन 3 ईयर्स, फाइंड आउट द सम ऑफ मनी। ओके, 2 साल में हो जाता है ₹880 और 3 साल में हो जाता है ₹920, ये 1 साल का डिफरेंस है, इधर 40 का डिफरेंस है, इट मीन्स कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपया है, 40। तो अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 40 है तो 2 ईयर का 80 हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 80 है, अमाउंट 880 है, तो सम ऑफ मनी कितना था, कैपिटल कितना था 800, कितना कैपिटल था दोस्तों 800 आपका कैपिटल था। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% एनम इज 65। इफ द डिफरेंस बिटवीन डी रुपी इन एनी कैपिटल ऑफ द पी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर परसेंट इन 2 ईयर्स, सो दैट यू नो डी इक्वल पी आर, यू शुड नो आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, डी इक्वल पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस फार्मूला बिटवीन एस आई एंड सी आई ड्यूरिंग 2 ईयर इन आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट डी इज इक्वल 65, पी इक्वल आई डोंट नो, आर इक्वल 10% और 100 इक्वल 100 है, तो बस करना ही क्या है फिर, तो यहाँ से बता दो कितना आ गया, 65 पी
ये एक तो कैंसिल हो गया बटे 100, आपका करेक्ट आंसर होगा 6500। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को लेकर के है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारी पढ़ाई करने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या है वो किस में है, जब हम घर पे बैठ के एग्ज़ाम टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं और जब हम जाते हैं एग्ज़ाम में, जो CBT वाला जो माहौल होता है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात है, तो जो बंदे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, जिस पे आपको नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको सौरभ सर का मैजिकल गाइडेंस भी मिलेगा दोस्तों। 20-20 में हम लोग आप एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट मात्र 199 रुपये से स्टार्ट है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ए दोगुना अच्छा है, ए और बी का जो रेशियो है 2:1 का है, 2:1 का है, सही ना। अब इस ये किसका इफिशेंसी का रेशियो है, किसका रेशियो इफिशेंसी का, तो टाइम का रेशियो 1:2 का हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए 30 डेज क्या रहता कम लेता है, तो कितना डिफरेंस है, एक यूनिट टाइम कम लेता है ए, और उसी चक्कर में 30 दिन कम लेता है। एक यूनिट टाइम का मतलब है 30 दिन। एक यूनिट टाइम कौन बंदा लेता है, तो आपने कहा ए लेता है। हमने कहा ए के पास कितना एनर्जी है, आपने कहा सर 2 एनर्जी है। तो अगर 2 एनर्जी से काम 30 दिन में होता है तो 1 एनर्जी से 60 दिन में होगा। एनर्जी के मामले में उल्टा चलता है, भाग मत, डिवाइड मत कर देना। 2 एनर्जी से 30 तो 1 एनर्जी से 30 तो 2 एनर्जी से 30 तो 1 एनर्जी से 60 दिन लगेगा। दोनों मिला के 3 एनर्जी वाले हो जाएंगे, तो 3 से 60/2 का मतलब, 60/3 का मतलब 20 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 20 इज़ योर करेक्ट आंसर। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को के दिमाग में भरते हैं कायदे से। अच्छा, एक अ टैप फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड अनदर इज 12 मिनट। कोई टैप है, टंकी है, एक 20 मिनट में भरता है दोस्तों, दूसरा 12 मिनट में। इफ बोथ ओपन एट सेम टाइम, तो हम इसका LCM 60 मान लेते हैं कि टंकी 60 लीटर की है। कितने लीटर की है, 60 लीटर की, तो ये कितना भरेगा, 3 लीटर और ये 5 लीटर। तो 60 लीटर की टंकी अगर दोनों मिलके भरेंगे तो 8 लीटर भरेंगे, मतलब 60/8 का मतलब 30/4 का मतलब 7.5 मिनट लगेगा, जबकि दोनों टैप उस टैंक को फुल कर देंगे, क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल। अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन द ट्रेन पासिस द मैन इज। अच्छा, तो देखो, जब कोई ट्रेन किसी बंदे को पार करेगी, जब कोई ट्रेन किसी बंदे को पार करेगी, एक ये भाई भागता जा रहा है, जब ये ट्रेन इस बंदे को पार करेगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 180 उसी की लंबाई के बराबर, और ट्रेन जा रही 20 मीटर पर सेकेंड से, बंदा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो डिफरेंस 10 हो जाएगा, इसका मतलब 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। कितना टाइम में पार करेगी, 18 सेकेंड में ट्रेन उस बंदे को पार कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, इट मीन्स 60 मिनट में 6 किलोमीटर, ये चाल हो गई। कैसे, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये आपका डाउन स्ट्रीम है, कैसे, स्पीड डाउन स्ट्रीम, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 30 मिनट। कितना, तो 30 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 2 किलोमीटर, ये स्पीड हो गई अप स्ट्रीम। किसमें, अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जब आपको स्पीड चाहिए स्ट्रीम की, तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। इट मीन्स कि स्ट्रीम की जो स्पीड है
वो कितना है 200 km पर आर। अगर किसी बंदे की डाउन स्ट्रीम स्पीड x किलोमीटर पर आर है धारा की दिशा में, उसी बंदे की अप स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा के विपरीत दिशा में y km पर आर है, तो हमेशा जो स्पीड होती है किसकी, जो स्पीड होती है स्ट्रीम की, वो x माइनस y डिवाइड बाई 2 होती है, और जो स्पीड होती है स्टिल वाटर उस आदमी की होती है x प्लस y डिवाइड बाई 2 हो जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर 17। देखिए, इसके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड है वो 17 सेंटीमीटर है। कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 3, 4, 5 लार्जेस्ट साइड, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17। इसी क्रम में और ढेर सारी साइड हैं। तो जैसे हमने लार्जेस्ट साइड 17 देखा तो हमारे दिमाग में आ गया कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हो सकता है इट शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, इट मे बी राइट एंगल ट्राइंगल, हो सकता है, होना चाहिए। हमने रख लिया 8 और 15। अब जरा जो इसकी शर्त है उसको सेट करते हैं। तो क्या इसका जो पेरीमीटर है वो 40 आ रहा है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल, तीनों को जोड़ के 40 आ जा रहा है। हमने कहा डेल्टा क्या होता है? आपने कहा सर डेल्टा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रख दो तो हाफ, बेस बोले तो 8 या 15 जो भी रख लो, और हाइट आपका 8 है, तो कितना रहा है? 60 आ रहा है क्या? आपने कहा हाँ सर आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। बस थोड़ा एजम्पशन हमने किया, केवल एज्यूम किया कि अगर 17 साइड आ रही सबसे लार्जेस्ट साइड, तो हो ना हो इसी में से हो, हमने रख दिया। वैसे तो हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस सी 17 रखेंगे, मतलब कि डेल्टा बराबर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, 7-8 मिनट लगेगा, सॉल्व करेंगे, बाद में पछताएंगे, पेपर में फेल भी कर गए, टाइम बहुत किल कर दिया, थोड़ा एज्यूम करेंगे काम बन जाएगा। अब आपसे क्या करा, द स्मॉलेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9, 12 एंड 15। तो देखो, आपको पता होना चाहिए r बराबर डेल्टा अपान s होता है, r बराबर डेल अपान s होता है, डेल बोले तो एरिया, s बोले तो सेमी पेरीमीटर। इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी टाइप ऑफ सब ट्राइंगल, जो इन रेडियस ऑफ इन सर्किल होगा वो डेल अपान यस होता है, और जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल होगा वो ए बी सी अपान 4 डेल होता है। ओके, तो देखो अब यहाँ से 9, यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर करें 225 आ रहा है, ये 144 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेल निकाल लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया? 9, 6, 54 आ गया, और पेरीमीटर लिख लो, ले लो तो 12, 15, 27, 27, 9, 34, 34 का आधा कितना हो गया? 12, 15, 27, 27, 9, 36, 36 का आधा 18, कितना आ गया? 18, 18, 54, यही आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर सर्कम इन रेडियस, क्या हो जाएगा? इन रेडियस। द इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओके, एंड ए सी बी 40। अगर ये 40 है तो आप जानते हैं सेंटर पे 80 बनेगा, और अगर ये सेंटर है तो ये भी रेडियस है, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, तभी 180 आ पाएगा। इट मीन्स कि इस सवाल का आंसर आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ज्योमेट्री की छोटी सी जानकारी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बेसिक जानकारी का सवाल है ये। तो अब आपको पता होना चाहिए TT, CC,
SS concept. What is the TTCC SS concept? अगर 10 into 10 एक है, 10 theta into 10 beta एक है, तो theta plus beta 90 होगा. Cot beta cot theta एक है, into cot theta एक है, तो वो भी 90 होगा जोड़ के. बस यही समझना था. तो इसका मतलब ये दोनों 90 है. तो x plus y plus x minus y बराबर 90. तो यहाँ से पता चल गया 2x बराबर 90, देन x बराबर 45. अब यहाँ पर 10 है, 10 45 दूनी 90 30, 10 30 का मतलब साइन 30, 1/2 / 3/2. तो 1/√3 आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला और अंतिम सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ. देखिए आप क्या दे रखा है. ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ से x कॉम लिखूँ, 5x लिख दूँ और लिख दूँ 2x कॉमन कर दूँ प्लस 5 प्लस 1/x, तो मुझे नहीं लगता किसी को समस्या आएगी. x से x कैंसिल हो जाएगा. 5 × 3 = 15 बराबर 2x प्लस 5 प्लस 1/x. ये 5 इधर आ जाएगा, 2x प्लस 1/x हो जाएगा. पूछा क्या है, x प्लस 1/2x. यहाँ आके सवाल को फंसाने का प्रयास इसने कर दिया. कुछ भी नहीं कर पाएगा. हम 2 से भाग लगाएंगे, हम 2 से भाग लगाएंगे तो वही पा जाएंगे जो हमको चाहिए था. प्यारा सा उत्तर हमारा क्या है, 5 है. तो ये रहे आपके 25 सवाल. बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों. मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला कि चीज़ें आपको समझ में आए. उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा. इससे आपकी आपको सोचने का मौका मिलेगा कैसे पेपर किस क्वेश्चन को सोचते हैं. यूं ही हम मिलते रहेंगे बराबर मॉडल पेपर के साथ. जय हिंद दोस्तों.